देश दुनिया में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर Twitter और Instagram पर देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जी हां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया का पहला वेदर बलून लगाने वाला है। पहला वेदर बलून जो है वो लॉन्च करने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बेहद गर्व की बात है कि इसरो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना इस वेदर बलून के लिए। इस वेदर बलून की जो ऊंचाई होगी वो 35 किलोमीटर होगी, जबकि ये 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्ण अनुमान बताएगा। दिल्ली NCR में जो मुसीबत बन चुकी है इस वक्त, फॉग की जो प्रॉब्लम हो रही है, इसकी भी सटीक जानकारी मिल सकेगी इस वेदर बलून के अंदर। जो है वो GPS लगाया जाएगा, GPS सिस्टम को सेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है रेडियो साउंड मीटर, ह्यूमिडिटी फायर थर्मामीटर के साथ साथ विंड स्पीड मीटर भी लगाया जाएगा। इस फेदर बैलून को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की छत पर लगाया जाएगा, जहां से ये सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा, और सैटेलाइट जो है वो डेटा सीधे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट भेजेगी। उसके बाद इस डेटे को जो है वो शेयर किया जाएगा, यानी कि डेटा ऑनलाइन किया जाएगा ताकि सब इसका इस्तेमाल कर सकें, सब जो है वो जानकारी हासिल कर सकें। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इसरो ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना है ये वेदर बैलून लगाने के लिए। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और चेयरमैन अतीक अहमद साहब ने बताया कि अलीगढ़ के आसमान में एयर ट्रैफिक जो है वो कम है, दिल्ली की तरह यहाँ हवाई जहाज़ भी ज़्यादा नहीं उड़ते हैं। इसी कारण जो है इसरो ने इस जगह को चुना है, इसरो ने इस कैंपस को चुना है जहाँ से डेटा कलेक्ट करना जो है वो आसान होगा और सेंसर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसरो इस तरह के पूरे देश भर में 4 सेंटर बनाएगा। AMU नॉर्थ इंडिया का पहला सेंटर होगा जिसको ये उपलब्धि हाजिर है। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनस होने के नाते इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को उस मकाम पर पहुँचाया ताकि ये जानकारी जो है हम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।